हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत रॉय। वेलकम टू माय इंग्लिश लर्निंग चैनल। अक्सर देखा गया है कि टीचर्स और पेरेंट्स को जब बच्चों को हम भारत के राज्य और राजधानियों के नाम याद कराने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे तकलीफ़ों की सामना करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के राज्य और उनके राजधानियों के कैसे आसान तरीके से याद करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने ना भूलें, ताकि आप और ऐसे ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिले। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम भारत की राज्यों को कैसे याद कराएं, हाउ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ स्टेट्स, राज्यों के नाम कैसे याद कराएं। उसके लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है हमें, जस्ट बाय हार्ट ए लाइन एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम। हम अगर ये लाइन याद कर लेंगे या फिर अपने बच्चों को सिखा लेंगे तब उन्हें ये राज्यों के नाम याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो कौन सा लाइन हमें याद करना है ये हम देख लेते हैं। तो हमें याद कराना है M5 AT 3 CUS 2 RCB 1 SPG। सो ये जो लाइन मैंने लिख के दिया, हमें याद करना है कि हमें ये बाइट करना है, ये M5 AT 3 CUS 2 RCB 1 SPG। अगर हमने ये लाइन अपने बच्चों को याद करा लिया, और ये याद करने के लिए बहुत तकलीफ नहीं होगा, हम इसे आसानी से याद करा सकेंगे। अगर हमने ये याद करा लिया तो हमारे बच्चे ये राज्यों के नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने अगर इसके बाहट करा लिया, नहीं याद करा लिया, पर हमें राज्य के नाम समझाएंगे कैसे? अब घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान है। हमने अब तक याद कर लिया M5 AT 3 CUS 2 RCB 1 SPG। इसका अर्थ यही है, ये जो M5 मैंने लिखा, ये M से 5 राज्यों के नाम होता है, तभी मैंने M5 लिखा। फिर ये 5 राज्यों के नाम क्या क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मतलब प्रत्येक शब्द या में जो लेटर्स है, जितने भी लेटर्स है, सब एक एक राज्य के नाम प्रतीक हैं। सो M5 मतलब M 5 बार, सो 5 बार मतलब 5 राज्यों के नाम। फिर होगी AT 3। अब AT 3 में हमें ये चीज़ याद रखना है कि हम जब बच्चों को याद कराते हैं तो हमें समझाना है कि A से 3 और T से 3, इसीलिए हम लोग ने AT 3 बोले हैं। AT 3 मतलब A और T दोनों के लिए 3-3 राज्यों के नाम हमें याद कराना है। तो कौन सा राज्य के नाम A और T से होते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ऐसे 3 राज्यों के नाम है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर टी से तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। फिर है हमारे पास CUS 2। यह हमें याद करना है कि CUS, ये शब्द CUS, इसमें 4 अक्षर है, KHUG, और ये प्रत्येक अक्षर 2-2 राज्यों के नाम समझाते हैं। 2 states ईच लेटर मतलब प्रत्येक अक्षर 2-2 राज्य के नाम प्रतीक करते हैं। तो कौन सा पहले हम देख लेते हैं। कैसे हो गया कर्नाटका, केरला। एच से है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यू से है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी से गोवा, गुजरात। तो हमने अब तक देख लिए कि M5 AT 3 CUS 2 में कितने राज्य के नाम हम मिल चुके हैं। तो इन सारे अक्षर से हमें पता चल जाएगा कि एक एक अक्षर राज्यों के नाम, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। सो हमने अगर याद कर लिया M5 मतलब M से 5, AT 3 मतलब A से 3, T से 3, और CUS 2 मतलब KHUG प्रत्येक शब्द से 2-2 राज्य के नाम। और बाकी रहा जो अंतिम RCB 1 SPG, यहाँ मैंने कोई 1, 2, 3 नहीं दिया। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक अक्षर एक एक राज्य के नाम समझाते हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स, एक ही इंडियन स्टेट्स का नाम
प्रतीक करता है, तो कौन सा हम लिख लेंगे, आरसीबी, आरसीबी मतलब आर से राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, फिर वन, वन से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नागालैंड, और आखिर में SPJ, सिक्किम, पंजाब, झारखंड। सो हमें ये याद करने में इतना तकलीफ नहीं हो सकता वा नहीं होगा। तो हम अगर ये याद कर लेंगे तो हम हमारे बच्चे, हमारे इंडिया के जितने 28 राज्य हैं सभी के नाम वो धीरे धीरे बोल सकेंगे। इसके लिए थोड़ा अभ्यास जरूरी है, पर थोड़ा सा अभ्यास हम लोग खेल कूद करते हुए करते करते रहेंगे, तब भी ये या ना या ये नाम याद आ जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि हमें राजधानियों के नाम भी सीखना है, तो राजधानी के लिए भी मैंने ठीक उसी तरह एक वाक्य निकाला। कैसे निकालेंगे, जस्ट बाय हेडिंग ए सिंपल लाइन विल हेल्प अस टू रिमेम्बर द कैपिटल्स नेम। सो राज्य की तरह राजधानियों के नाम याद करने के लिए भी मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर्मूला है ABC3, श्री, DJ, PK2, HJ, TLM, ABC3। तो आप समझ में आ ही गया होगा, ABC3 याद करने में इतना तकलीफ नहीं हो, ABC3, श्री, DJ, PK2, श्री, DJ, PK2, HJ, TLM, HJ, TLM। तो हमें मिल गया ABC3, श्री, DJ, PK2, HJ, TLM। तो ये अगर हम याद कर लेंगे तो हमें भारत के राजधानियों के नाम भी आसानी से याद हो जाएगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या प्रतीक है। तो ABC3, ए, बी और सी प्रत्येक शब्द तीन तीन राजधानियों के नाम समझाते हैं। ए से तीन, बी से तीन और सी से तीन। ऐसे क्या क्या है, अमरावती, आजोल, अगरतला। बी से बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर। सी से चंडीगढ़, चंडीगढ़, चेन्नई। सो सी से हमने दो राजधानी के नाम देखे। फिर अगला हो गया श्री, DJ, PK। इसमें मैंने टू दिया, इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक अक्षर दो दो राजधानियों के नाम समझाते हैं। एस से शिमला, शिलोंग। आर से रांची, रायपुर। फिर आई से ईटानगर, इम्फाल। डी से दिसपुर, देहरादून। जी से गांधीनगर, गैंगटॉक। पी से पटना, पनाजी। के से कोहिमा, कोलकाता। तो उम्मीद करता हूँ कि हम ये जो फॉर्मूला निकाले हैं बहुत ही आसानी से हम याद कर सके हैं। अब जो बाकी बचा हमारे सेंटेंस थे, HJTLM। अब HJTLM में मैंने कोई नंबर नहीं दिया, इसका अर्थ यही है कि HJTLM क्या करेंगे, एक ही राजधानी के नाम प्रतीक है। ईच लेटर स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ वन कैपिटल। सो उन राज्य के नाम, उन राजधानियों के नाम क्या क्या है, H फॉर हैदराबाद, J फॉर जयपुर, T फॉर त्रिपुरा, L फॉर लखनऊ, M फॉर मुंबई। मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूँ कि अगर हमने ये दो लाइनें याद कर ली तो हमारे बच्चों के लिए ये बिल्कुल आसानी होगा। आप कोशिश करके देखें, दोनों बाइक के पहले आप राज्यों के नाम सिखाइए। मैंने भी अपने बच्चों को सिखाने में बहुत तकलीफ हुआ है मुझे। फिर मैंने ये जो फॉर्मूला याद कराया, अब मेरे पूरे बच्चे आसानी से राज्य और राजधानियों के नाम बोल सकते हैं। तो अगर आपको, फिर से मैं दोहराऊंगा, धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे भी जुड़ी, एडुकेशन से जुड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।